ये भीड़ जमा है दिल्ली के जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन में, जहां ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान रहते हैं। मंगलवार सुबह अचानक ईडी ने अमानतुल्ला खान के घर छापा मार दिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अमानतुल्ला और उनके सहयोगियों के 8 से 10 ठिकानों पर छापेमारी की। अमानतुल्ला खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर की थी। उसी मामले को अब ईडी जांच रही है। ईडी सूत्रों का दावा है कि एसीबी की तलाशी में अमानतुल्ला खान के करीबी लड्डन खान के यहां से डायरी मिली थी। इस डायरी में हवाला लेन देन का जिक्र था। इसी मामले में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इस मामले में बीते साल सितंबर महीने में एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनको तुरंत जमानत मिल गई थी। जब अमानतुल्ला खान का मामला कोर्ट के अंदर गया, एसीबी ने गिरफ्तार किया था, तो अदालत ने न सिर्फ 12 दिन के भीतर 16 सितंबर को अमानतुल्ला खान को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था इसी मामले के अंदर, और 28 सितंबर को अदालत ने जमानत दे दी थी, और जमानत देते हुए जांच एजेंसी जो एसीबी है उसको फटकार भी लगाई थी, और जिस तरह की टिप्पणी जमानत देते हुए की थी वो ये सीधे सीधे ये कह रही थी कि शायद कोई केस ही नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा था हम जो केस के मेरिट हैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है। इनके यहाँ से ऐसी डायरियां, ऐसे प्रूफ पकड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी वसूलियों के रिकॉर्ड हैं, और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक ये बातें जा रही हैं, क्योंकि सारे केसेस में एक ही सच्चाई आ रही है कि इन सारे घटनाओं के सरगना अरविंद केजरीवाल। कल को सीबीआई भेज देंगे, परसों इनकम टैक्स भेज देंगे, उसके बाद रॉ भेज देंगे। ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसियों के आक्रमण से डरती नहीं है। सच्चाई, धर्म और ईमानदारी आम आदमी पार्टी के खेमे में है, और अंत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि एक नहीं हजार कोशिशें भाजपा कर ले, जिस मर्जी नेता को आम आदमी पार्टी के पकड़ के जिस मर्जी अपराध में, कथित अपराध में जेल में डालने का प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की होगी। अमानतुल्ला खान बेशक विधायक तो हैं ही, दिल्ली के मुस्लिम समाज में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा भी हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्ला खान पर ईडी का कसता शिकंजा पहले से ही चुनौती झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।